नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं मिथुन राशि के सभी दर्शकों का। मिथुन राशि साप्ताहिक राशिफल 2 से 8 जनवरी 2020। यह जानकारी चंद्र राशि लग्न राशि पर आधारित है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी नौकरी, शिक्षा, व्यापार, घर परिवार, प्रेम संबंध, विवाह संबंध, मित्रता की और बहुत सारे और चीजें जानेंगे जो इस सप्ताह से जुड़ी होंगी। आपका शुभ अंक, शुभ रंग, भाग्य प्रतिशत और वह उपाय भी जानेंगे जो कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। आइए शुभारंभ करते हैं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले निशान के बटन को जरूर दबा दें। बात करते हैं 2, 3 जनवरी और 4 जनवरी सुबह 10 बजे तक के समय की। चंद्रमा मीन राशि में होंगे, दशम भाव में। यह वक्त आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। आप बुद्धिमान होंगे, हर काम को करने में नई युक्ति लगाएंगे, नए तरीके से करेंगे, नए आइडिया का इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको बहुत बढ़िया लाभ होगा जब आप नए दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, नई सोच का इस्तेमाल करेंगे। आपको भाई बंधुओं का सुख प्राप्त होगा। आप बहुत ही संतोषी महिला पुरुष होंगे। आपको जो मिलेगा उससे आपको संतुष्टि मिलेगी। यकीन मानिए, आपका दिमाग बहुत तेज होगा। आपका हर बढ़ता कदम बहुत बढ़िया होगा। आपको बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं मिलने वाली हैं। आपको अच्छे लोगों का साथ प्राप्त होने वाला है। आप अपने काम काज में आगे बढ़ते चले जाएंगे। खूब नाम कमाने वाले महिला पुरुष होंगे। आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, सभी जगह पर आपका नाम होगा और सभी जगह पर आप सभी के प्रिय होंगे। आपके बॉस, आपके सहकर्मी आपके काम की तारीफ करेंगे। आपको आगे बढ़ने की चाह होगी जो शानदार होगी। छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं, रिश्तेदारों से मिलना हो सकता है। अब बात करते हैं 4 तारीख सुबह 10 बजे के बाद का समय और 5 और 6 तारीख की। चंद्रमा 11वें भाव में होंगे, मेष राशि में। आपके पास धन मान सम्मान की कमी नहीं होगी। आपके दिमाग में कुछ ना कुछ नया चलता रहेगा। नई नई चीजों को खोजेंगे, नई नई चीजों के लिए योजनाएं बनाएंगे। आप कुछ ना कुछ नया खोज कर सबको आश्चर्यचकित कर देंगे। जीवन में जो भी सुख है उसको भोगने का प्रयास करेंगे। आपको हर सुख सुविधा प्राप्त होगी। आप धनवान हैं, ईमानदार हैं, नौकर चाकर रखने वाले सफल इंसान होंगे। भोग विलास में आपका मन लगेगा, इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, खूब पैसा धन दौलत कमाएंगे भी, खर्च भी करेंगे। कुल मिलाकर आप जिंदगी को जिएंगे और जिंदगी के मजे लेंगे। आपकी अच्छी बात यह रहेगी कि आप अपने शौक पूरे करेंगे। आप अगर सरकारी नौकरी में हैं तो बढ़िया लाभ कमाएंगे। आप एक अच्छे सलाहकार होंगे। आप सभी काम आसानी से करते हुए सभी लोगों के बीच में घुल मिलकर अपना नाम और अपना काम दोनों कमाएंगे। आपको हर प्रकार से सुख मिलता दिखाई पड़ रहा है। यह वक्त मौके का है, मौके का लाभ उठाएं। तो 4 तारीख सुबह 10 बजे के बाद का समय और 5 और 6 तारीख बढ़िया रहेगा। सरकारी नौकरी करने वालों को तरक्की मिलेगी, परिवार में खुशहाली रहेगी, देश विदेश की यात्रा का सुख भी मिलेगा। थोड़ा सर्दी खांसी से खुद का बचाव करिएगा। अब बात करते हैं 7 और 8 तारीख की। चंद्रमा 12वें भाव में होंगे, वृषभ राशि में। यह वक्त खराब होकर भी आपके लिए अच्छा होगा। मुसीबतें आएंगी लेकिन टिक नहीं पाएंगी। आपको अनेक छोटी बड़ी तनावों से मुक्ति मिल जाएगी। आपके परिवार में खुशी का माहौल होगा। आपकी माता जी का प्यार और उनका आशीर्वाद आपके साथ होगा। आप एक बात का ध्यान रखें, हर खर्चे को सोच समझ कर करें। अपने छोटे बड़े भाई बहनों से बना के रखें। वैवाहिक जीवन में तनाव होगा लेकिन आप समझदारी पूर्वक तनाव को हंसी मजाक में बदल देंगे। आपका हंसी मजाक करने की आदत से बहुत सारे तनाव भरे पल आपसे दूर हो जाएंगे और आप बहुत बढ़िया वक्त बिताएंगे। आपकी जुबान थोड़ी सी तेज हो सकती है। खर्चों पर कंट्रोल करें। आप पैसों के लेन देन के मामले में किसी पर यकीन ना करें, खुद पर विश्वास करें। वक्त बेहतर है और बेहतर को और बेहतर बनाने के लिए आप प्रयास करेंगे। छात्र छात्राओं की पढ़ाई मिली जुली रहेगी। झगड़ों को बढ़ाए नहीं बल्कि झगड़ों को निपटाने का प्रयास करें। अपने काम से काम रखें, दूसरे के काम में टांग ना अड़ाएं। वक्त बढ़िया बनाना है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपका भाग्य प्रतिशत रहेगा 67%। शुभ अंक रहेगा 4। हरा रंग आपके लिए शुभ है। दिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करते रहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। आपको अनेक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। हरिओम, नमस्कार।